बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन ने दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बड़ी बात कही है। गौरतलब है कि पिछले साल जून के महीने में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से कृति सेनन उनके बारे में कुछ भी बोलने से बच रही थी, लेकिन अब उन्होंने अपने मन की बात कह दी है। दरअसल एक वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में कृति सेनन ने कहा है कि मैं अब इस बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहती थी। एक समय ऐसा भी आ गया था जब नेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। उस दौरान मैंने तय किया था कि मैं इस बारे में कुछ भी बोलने से बचूंगी। मैं इस नेगेटिविटी का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। मैं क्या फील कर रही थी इसे मैं खुद तक ही सीमित रखना चाहती थी। मुझे सही नहीं लग रहा था कि मैं दुनिया को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताऊं। कई लोग चाहते थे कि मैं इस टॉपिक पर अपनी बात रखूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी। आपको बता दें कि एक समय ऐसा भी था जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अपना रिएक्शन न देने पर ट्रोलर्स ने कृति सेनन को जमकर ट्रोल किया था। ट्रोलर्स का कहना था कि वे दोनों अच्छे दोस्त थे, उन्होंने सेट पर एक साथ काम भी किया है, लेकिन सुशांत की मौत के बाद कृति ने उनके बारे में कुछ भी नहीं कहा है। इसके अलावा ट्रोलर्स ने कृति सेनन को जमकर बुरा भला कहा। हालांकि कृति ने इस पर भी अपना रिएक्शन नहीं दिया था। याद दिला दे कि 14 जून 2020 को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली थी। उनका शव बांद्रा स्थित एक फ्लैट में बरामद किया गया था। प्रारंभिक जांच में पाया गया था कि अभिनेता ने डिप्रेशन में आकर खुदकुशी की है। हालांकि इसके बाद परिवार वालों की तरफ से CBI जांच की मांग की गई थी। इसके बाद CBI ने NCB के साथ मिलकर घटना से जुड़ी कई अहम जानकारियां दी थी। इस मामले में सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और उनके भाई से पूछताछ की गई थी। बाद में यह बात भी सामने आई थी कि रिया और उनके भाई शोविक ने कई बार सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स मंगवाया था। फिर रिया को इसके आरोप में जेल भी जाना पड़ा था। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इसी तरह की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।